Good morning, students. In previous video, that means in part 1 of checkpoint 4 of chapter 8, we discussed questions from 1 to 5. Now, in this video, we will discuss next questions, that means questions from 6 to question number 10. Now, question number 6. रवि एंड निशांत मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ टेन थाउजेंड बाय ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट मीन्स रवि एंड निशांत दोनों मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एंड दे कलेक्टिवली मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड मीन्स दोनों को एक साथ जो इकट्ठा प्रॉफिट आया है दैट इज़ रुपीज़ टेन थाउजेंड द प्रॉफिट नीड्स टू बी डिवाइडेड इन सच अवे अब जो प्रॉफिट आया टेन थाउजेंड का उनको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से दैट प्रॉफिट मेड बाय रवि इज टू थर्ड ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय निशांत मीन्स निशांत को जितना प्रॉफिट मिला है उसका टू थर्ड करने पर जो आएगा दैट विल बी गिवन टू रवि वो प्रॉफिट रवि को दिया जाएगा सो वी हैव टू फाइंड द अमाउंट अर्न बाय बोथ मीन्स रवि और निशांत को कितना कितना प्रॉफिट मिला वी हैव टू फाइंड देयर वैल्यूज सपोज प्रॉफिट मेड बाय निशांत बी रूपीज एक्स हम लोग ने लैक्ट करा निशांत को एक्स रुपीज प्रॉफिट मिला देन प्रॉफिट मेड बाय रवि विल बी टू थर्ड 2 3rd means 2 upon 3 of profit made by Nishant. Of means multiply. So, this will give rupees 2 upon 3 X. This is the profit of Ravi and this is the profit of Nishant. They collectively earned 10,000. Collectively means dono ko mila karke. They, that will give 10,000. So, this is the equation. That means X. Plus 2 upon 3 x equal to 10000 we will take lcm to solve this linear equation this will give the value of x that is 6000 so 6000 rupees is the profit made by nishant now put the value of x 2 upon 3 x that means 2 upon 3 multiply 6000 this will give 4000 that means rupees 4000 is the profit earned by ravi when we add 6000 and 4000 this will give टेन थाउजेंड सो दिस इज द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर एट फाइंड थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर्स मींस तीन कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले इवेंट नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर मीन्स इन तीनों नंबर्स में फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो सम है एक्सीड्स द सेकेंड नंबर बाय एटीन वो सेकेंड नंबर से एटीन ज्यादा है एक्सीड्स मीन्स ज्यादा सो लेट अस कंसीडर थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स भी एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एंड एक्स प्लस सिक्स दिस इज फर्स्ट इवन नंबर दिस इज सेकेंड इवन नंबर एंड दिस इज लास्ट इवन नंबर सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मीन्स एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस सिक्स एक्सिड्स द सेकेंड नंबर बाय एटीन equal to second number plus 18. X exceeds means more. So, on transposing x to the left side we get minus x. x plus x will give 2x. 2 plus 6 8. 2x minus x equal to x and 22 on transposing 8 to the right side it will give minus 8. And this will be 14. So the value of x is 14. So first even number will be 14 plus 2, 16. Second will be 14 plus 4, 18. And third will be 14 plus 6, 20. So these are the three consecutive numbers in which sum of first and last means sum of 16 and 20 will be 36. And which is 18 more than the second number. Now question number 9. Two numbers are in ratio 2, ratio 3. टू नंबर्स जो हैं वो टू रेशियो थ्री में दिए गए हैं सो सपोज द नंबर्स बी टू एक्स एंड थ्री एक्स डीज़ आर ओरिजिनल नंबर्स इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज बाय सेवन ईच नंबर मीन्स दोनों नंबर में अगर हम सेवन ऐड कर देते हैं देन नंबर बिकम्स फर्स्ट नंबर विल बी टू एक्स प्लस सेवन एंड सेकेंड नंबर विल बी थ्री एक्स प्लस सेवन डीज आर दरिजिनल नंबर्स एंड दीज आर द नंबर्स वेन वी एड सेवन द रेशियो बिकम्स थ्री रेशियो फोर रेशियो थ्री रेशियो फोर कब हो जाता है जब हम उनमें सेवन ऐड कर देते हैं मीन्स वेन वी एड सेवन टू बोथ द नंबर्स, द रेशियो बिकम थ्री अपॉन फोर दिस मीन्स टू एक्स एक्स प्लस सेवन अपॉन थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू थ्री अपॉन फोर सो व्हेन वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट फोर मल्टीप्लाई बाय टू एक्स प्लस सेवन इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स प्लस सेवन फोर इंटू टू एक्स एट एक्स प्लस एज इट इज फोर सेवन जार ट्वेंटी एट Equal to sign as it is 3 3s are 9x plus sign as it is 3 7s are 21. So, when we solve this linear equation, we get x equal to 7. So, first number will be 2x that means 2 into 7, this will give 14, and other number will be 3x that means 3 into 7, 21. 14 and 21 are the two numbers which are in ratio 2 ratio 3. Now, question number 10. द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज टू किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड स्ट्रीम मीन्स कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिवर नदी में जो लगातार पानी बहता रहता है दैट मीन्स पानी की जो धारा होती है इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम तो स्पीड क्या है स्ट्रीम की टू किलोमीटर पर आवर इफ अ बोट गोज अप स्ट्रीम लिसन वाटर की जो डायरेक्शन होती है रिवर में वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ हर चीज़ को खींचता है तो पानी भी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा सो देयर आर टू डायरेक्शंस एक तो पानी की डायरेक्शन के साथ में होता है दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम और एक पानी की डायरेक्शन मीन्स वाटर जो होता है रिवर में उसकी डायरेक्शन के जो अपोजिट होगा दैट मीन्स ऊपर की तरफ दिस विल बी अप तो अगर बोट अप जाती है मीन्स वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर रिवर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बोट जा रही है अप स्ट्रीम मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में एंड इट इज टेकिंग सिक्स आवर्स मीन्स छः घंटे ले रही है एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस मीन्स वहीं से वापस आने के लिए वो डाउन स्ट्रीम जा रही है मीन्स डाउन स्ट्रीम मीन्स वाटर की डायरेक्शन में जा रही है देन इट विल टेक फाइव आवर्स मीन्स पाँच घंटे लेगी देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट देन बोट की स्पीड क्या है जिससे वो ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में गई सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आवर सबसे पहले हम ये लेट करेंगे कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में स्टिल वाटर मीन नॉर्मल पानी में वो है एक्स किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की क्या स्पीड है टू किलोमीटर पर आवर तो जब बोट पानी के डायरेक्शन के अपोजिट जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी वाई क्योंकि पानी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है लेकिन बोट उसके अपोजिट जा रही है उसको अपोज कर रही है दैट मीन्स स्पीड कम हो जाएगी कितनी कम हो जाएगी जितनी स्ट्रीम की स्पीड है दैट मीन्स एक्स माइनस टू किलोमीटर पर आवर सिमिलरली अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगी डाउन स्ट्रीम मतलब वाटर की डायरेक्शन में जाएगी तो ऐड हो जाएगी दैट मीन्स स्पीड विल बी एक्स प्लस टू किलोमीटर पर आवर सो दिस इज़ द स्पीड इन केस ऑफ upstream and this is the speed of boat in downstream so we have found the speeds now time for upstream is 6 hours and time for downstream is 5 hours we are having speed and time in both cases so we will use the formula speed equal to distance upon time speed is x minus 2 Suppose distance is d and time is six hours for upstream, so it will give six multiply x minus two. This is the distance covered in case of upstream. Now again use the same formula for downstream. Speed equal to distance upon time. Speed for downstream is x plus two and time is five and distance will be same because same distance written. So we will write d. So it can be multiplied it. So this will give five into x plus 2. Now, distance will be 5 multiply x plus 2. In both cases, same distance is covered. So, upstream ke liye speed has 6 multiply x minus 2 and for downstream speed is 5 multiply x plus 2. For same distance, we will equate these speeds and we will get 6x minus 12 equal to 5x plus 10 on solving this equation we get x equal to 22 that means this is the boat of the speed that means 22 km per hour